दिल्ली के जैतपुर इलाके में महिला ने 8 वर्ष से दुष्कर्म कर रहे आरोपी से परेशान होकर खुदकुशी करी थी। इस दौरान आरोपी ने महिला पर दबाव डालकर उसका 14 बार गर्भपात कराया था। इसके बावजूद महिला पर ढाए जा रहे जुल्मों में कोई कमी नहीं आई। इस सब से परेशान होकर महिला ने खुदकुशी कर ली। शुरुआती में पुलिस ने इसे खुदकुशी मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान महिला के कपड़ों से मिली एक सुसाइड नोट ने सबके सामने सच्चाई लाकर रख दी। आखिरकार जांच के बाद जैतपुर पुलिस ने मंगलवार को दुष्कर्म व आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मामला दर्ज कर लिया है। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस के अधिकारियों ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार 33 वर्षीय पीड़िता जैतपुर इलाके में रहती है। वह पिछले 9 साल से पति से अलग रह रही थी। उसे 6 जुलाई को खुदकुशी कर ली थी। उसकी 2 बेटियां हैं। महिला ने खुदकुशी करने से पहले दोनों बेटियों का हॉस्टल में दाखिला करा दिया था। पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शुरुआती जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस शुरू में इसे खुदकुशी मानकर चल रही थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 7 मई को जब महिला का पोस्टमार्टम हुआ, तब उस समय महिला के कपड़ों से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। महिला ने अपनी खुदकुशी के लिए बिहार निवासी गौतम को जिम्मेदार ठहराया। आरोपी गौतम नोएडा स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। पीड़िता ने खुदकुशी करने से पहले सुसाइड नोट में लिखा है कि आरोपी उसके साथ बीते 8 वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था। इस दौरान वह गर्भवती भी हुई, लेकिन आरोपी ने दबाव डालकर उसका 14 बार गर्भपात कराया। महिला ने सुसाइड नोट में यह भी कहा है कि उसके मोबाइल की जांच की जाए। उसने आरोपी के खिलाफ सबूत जुटा रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।